इतनी इतनी फास्ट क्यों ले जा रहे हो? बताते बताते बताते, जस्ट फॉलो माय लीड। चलेगा, अभी एक मेट्रो आएगी, उसमें आपको कुछ दिखेगा। A few minutes later. You two, fuck off, fuck off, boy. So hello भाइयों, कैसे हो सारे? So आप सबसे एक बैड न्यूज़ शेयर करनी है। जो जो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरे चैनल पे आ गई है भाई दूसरी स्ट्राइक। एंड भाई, तीन स्ट्राइक के बाद ऑटोमेटिकली यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाता है। एंड आपको पता होगा थोड़े दिन पहले भी मेरे को स्ट्राइक आई थी, जिससे मेरा चैनल, मेरी रीच, मेरे व्यूज़ एकदम से डाउन हो गए थे। एंड अभी थोड़े दिन पहले ही वो वापस से एवरेज में हुआ है। एंड भाई, अभी फिर से एक स्ट्राइक आ गई है। तो भाई, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कि मैं ये चैनल कंटिन्यू करूँ या नया चैनल खोलूँ। एंड सीरियसली बोलूँ यार, मेरे को एक साल हो गया इस चैनल पे मेहनत करते हुए, बट मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं फिर से एक नया चैनल स्टार्ट करूँ, उस पर फिर से इतनी मेहनत करूँ। तो यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो इसके बाद जो भी स्ट्राइक रहेगी उससे चैनल सीधा टर्मिनेट हो सकता है। तो भाई, आई होप कि ऐसा ना हो। एंड भाई, बस आपसे इतना कहना है कि थैंक यू सो मच। मेरे को एक साल हो गया भाई इस मोटो खबरी चैनल को चलाते हुए। एंड आज मेरा जितना भी कहो कि थोड़ा सा नाम है, जो वो सब आपकी वजह से है। तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना, जितना देर हो सके ये चैनल चलाऊंगा। एंड अगर टर्मिनेट हो गया यार, तो फिर भी नया चैनल खोलेंगे भाई, डोंट वरी। बाकी देखो आज की वीडियो। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मेरा नाम है मोटो खबरी और आज भी मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एनीवेज, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि यार ये मानी कतरी की साइड से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वो अपनी ZX10R सेल करने वाले हैं, तो कल रात को ही उनकी इंस्टाग्राम से स्टोरी आउट हुई जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी ZX10R उन्होंने सेल कर दी है। चलिए अपनी स्नाइपर। बट जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द एक नई सुपर बाइक लेने वाले हैं। तो आपका क्या गैस है, कौन सी सुपर बाइक लेने वाले हैं वो? मेरा तो गैस है कि वो शायद से Z1000 लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं द ब्लू टिक कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आपको पता होगा कि थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आमिर माजिद का ब्लू टिक रियल है या फेक है। बात यहां पे ये नहीं है कि मेरे में चुल है कि मेरे को आमिर माजिद का ब्लू टिक फेक ही दिखाना है। आपको याद होगा कि जब आमिर माजिद को ब्लू टिक वेरिफिकेशन मिला था, तो जानू स्टंट्स की साइड से एक स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि बाकी लोगों की तरह मेरे को फेक ब्लू टिक नहीं चाहिए। एंड वही चीजें क्रॉस चेक करते हुए भाई मेरे को पता लगा कि आमिर माजिद का वेरिफिकेशन मेटा वेरिफाइड है। एंड इसी के बीच में भाई एक बंदा आता है जो कि बोलता है कि मोटो खबरी दल्ला नल्ला, जो कि भाई हमेशा आमिर माजिद के एंटी होता है, दिख रहे हैं। तो देखें भाई, आज उसके 50 भी नहीं दिख रहे, 32 फॉलोवर्स दिख रहे हैं जब ये वीडियो में बना रहा हूं। तो नल्ले तू क्या देखता रहा है? इसीलिए कहते हैं भाई, जब भी कुछ सोचो, वीडियो बनाओ, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा समझ के बनाओ। दिमाग में जो टट्टी भरी हुई है, इसके जो गोबर भरा हुआ है, वो बाहर निकाल कर रहा है। ओके, तो मैं इनको काउंटर करता हूँ। अगर आज आमिर माजिद के 30 प्लस फॉलोअर्स नहीं दिख रहे भाई, तो आपने शायद सादिक मलिक का अकाउंट चेक नहीं करा, जो कि उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट करा है कि उन्होंने मेटा वेरिफिकेशन से लिया है। उनके भी इस टाइम पे 30 या 50 प्लस फॉलोअर्स नहीं दिख रहे। बाकी एग्जाम्पल देनी थी तो किसी इन्फ्लुएंसर की देनी थी, पॉलिटिशियन को लाने की क्या जरूरत है? मेरी एक महीने पुरानी वीडियो को अब आके काउंटर कर रहा है, यहाँ पे एक सेकंड नहीं लगेगा सिस्टम पाड़ने में। और भाई, तू तो एक महीने पहले की बात कर रहे हैं। दूसरे रिलीजन के एंटी थीम चैनल चलाने से अच्छा भाई अपने खुद के कंटेंट पे फोकस करो, तुम्हारी तो इंट्रो भी मेरे से इंस्पायर्ड है। सो हे गाइस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूं भाई कि सब खैरियत से। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो आमिर माजिद ने अपने आज वाले व्लॉग में इनडायरेक्टली प्रो राइडर 1000 के बारे में बात की है। भाई है ना, जिनसे ना जो बहुत दूर रहते हैं भाई, कि जितने भी मेरे भाई है, उन सब के लिए दुआ किया करो कि वो जहाँ पे भी रहे भाई बहुत खुश रहे। मरने के बाद ना सारे बंदे पीछे पड़ जाते हैं, फॉलो, कमेंट, व्यूज, लाइक्स आ जाते हैं, बट भाई तब ना वो बंदा यहाँ से चले गया होता है। प्लीज जिंदा बंदे को सपोर्ट करो, लोग अभी जिंदा है, मेहनत कर रहे हैं। और उनके इसी व्लॉग में उनका एक बहुत ज्यादा ब्रूटल क्रैश होने वाला था, बट थैंक गॉड सब चीजें कंट्रोल में हो गई। भाई बार बार बचाओ, पता नहीं जिंदा कैसे बचा मैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले सैम स्टंट्स के बारे में। तो अपने आज के व्लॉग में उन्होंने जम्मू के स्क्रिप्टेड मोटो व्लॉगर्स को पोक करा, जो कि जानबूझ के अपनी बाइक्स क्रैश करते हैं। हो जाता है, जो भी होता है भाई, रियल दिखाते हैं, फेक नहीं दिखाते भाई। हम एक चीज में बता दूं भाई, फेक नहीं दिखाते। बहुत लोंडे आजकल भाई, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई भी अपने पे ले सकता है, नाम नहीं लूंगा, बट ये बोलना चाहूंगा, हाँ भाई, बड़े बंदे भाई जम्मू में, जो कि खड़ी बाइक गिरा देते हैं, खड़ी बाइक भाई कहीं भी घुसा देते हैं मिट्टी में और बोलते भाई ऑफ रोड। तो भाई वो चीजें ठीक है यार, तुम्हारा कंटेंट है, बट मैं अपने लिए जाता हूँ भाई, मेरा जो भी कंटेंट हो सारा रियल हो,
ऐसा ना हो कि कुछ फेक हो, कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड बनाया हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। मेरा जो भी कंटेंट रहेगा रियल रहेगा। तो भाइयों आपको क्या लगता है उन्होंने किस मोटो व्लॉगर को पोक करा है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आमीन बट व्लॉग्स के बारे में। तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जी व्लॉग्स को चांटा मार दिया था। मैं नाम मेंशन नहीं करता क्योंकि भाई इनके मैसेज आ जाते हैं कि आपने मेरी परमिशन नहीं ली भाई, आमीन बट के चैनल से क्लिप उठाई और भाई परमिशन। तो आमीन बट ने बाद में वो चांटे वाली वीडियो डिलीट कर दी थी एंड इसके बाद में आज उनके व्लॉग में उन्होंने उनको रिप्लाई करा है। ये चीज मैं एग्री करता हूँ कि मैंने पहले थप्पड़ मारा, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता चला उस टाइम क्या हुआ, मैंने थप्पड़ मार दिया, मुझे और किसी बात का गुस्सा नहीं आया, मुझे बस इस बात का गुस्सा आया मैं उसको इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई 2 मिनट ब्लॉक करना है, 2 मिनट ब्लॉक करना है, उसके बाद तू कर लेना मैसेज पे बात या कॉल पे बात, मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ लेकिन वो फोन पे लगी हुई है, उसका फोन छीना, मैं ये चीज एग्री कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ भाई, अब जो होना था वो हो गया, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन भाई उसने भी तो थप्पड़ मारा, सिर्फ मेरा ही थप्पड़ दिख रहा है सबको। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले स्मॉल टाउन राइटर के बारे में। तो मैंने बहुत पहले एक टर्म सुनी थी हाइड्रो ड्रिप एंड मेरे को ये सीरियसली जानना था कि ये कैसे होती है एंड स्मॉल टाउन राइटर ने अपने आज के व्लॉग में ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सबसे मेन चीज तक आएगी, अब इसमें क्या होता है जैसे ये जो शाइनी साइड है ना ये हमेशा डाउन रहेगी, ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से प्यार से इसको नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो आपको पता होगा कि उन्होंने एल्विश यादव की सपोर्ट में एक सॉन्ग बनाया है जिसका टीजर उन्होंने रिलीज कर दिया, तो मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ। सिस्टम पैड का चला छोर टोर मैं चला टोर मैं गाड़ी बजाना तू मैं ठावे जिटी रोड पे सो भाइयों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।